एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित कुसार गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान प्रमोद कुमार हैं। लगभग 5300 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 13 किलोमीटर ही है। लगभग 3400 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 850 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 395 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 25 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 विद्युत पोल, 17 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 195 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, तालाब की बाउंड्री, शमशान घाट की बाउंड्री, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रसार प्रधान वर्तमान ब्लॉक बिनाली तहसील पड़ोत थाना दौड़ जिला बागपत विकास कार्य कराए काफ़ी 22 सीसी बनवाई हैं, 3 इंटरलॉक, 10 सोलर लाइट और अब मांग मेरी है 3 तालाब मेरे खुदाई होनी है, उनकी 4 दीवारी होनी है, शमशान घाट की 4 दीवारी, बारात घर, 25 आवासों की मांग प्रधानमंत्री वाली योजना से, और गांव में अभी काफी सड़क रास्ते बनने बाकी हैं। मैं सरकार के रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे कुछ ज़्यादा वो धन दे गए इन कार्यों को पूर्ण करने की कृपा करें।